हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 40 इंच अत्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमने मैन कपड़ा लिया है, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है और यहाँ पर हम अत्तर वाले पल्ले को रखेंगे और फिर चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से अस्तर वाले ब्लाउज को बनाया है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटें सिल लेते हैं। तो जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे और बाकी जो 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और इसमें हमें बटन वाली पट्टी सिल लेनी है। तो पट्टी को रख के एक तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि हमें तुरपाई करना होगा। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इस वाले पल्ले में हमें काज वाली पट्टी सिल लेनी है। तो पट्टी को रख के एक तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे और इसमें हमें एक दाब सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 13 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को लेंगे और इसको बराबर रखेंगे और एक बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो अस्तर और जो हमारा मैन कपड़ा है तो इसको बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। मैन कपड़े की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है और रखने के बाद हम यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं चारों साइड से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटें सिल लेते हैं 1 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से प्लेट को सिल लिया है। यहाँ पर भी हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से 13 इंच पर हमें निशान लगाना है और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला भी तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमें फिटिंग वाला निशान लगाना है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 30 इंच है, 30 को आधा करेंगे तो 15 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर सीने की चौड़ाई हमारी 40 इंच है तो 40 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रख लेना है और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। साइड में हमें क्या करना है, तरह से कट लगा देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। फिर हम यहाँ पर बीच वाली सिलाई को निकाल देंगे और यहाँ पर पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है, इसको साइड से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखी पट्टी में सिलाई को लगा लिया है, यहाँ पर बराबर करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें और भी पट्टी को लेना है तो इसको भी इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। तो हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग को बनाएंगे। तो पट्टी को देखिए इस तरह से हमें उल्टी साइड से फोल्ड करना है और फिर सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को देखिए हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनेगी। और अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए कि किस तरह से हमने पाइपिंग को बनाया है तो आप हमारी अलग से भी वीडियो देख सकती हैं, मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को बना लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आपको भी पाइपिंग को बना लेना है, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है कि किस तरह से पाइपिंग को बनाते हैं। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो हमें अस्तर और जो हमारा मेन कपड़ा है तो उसको इस तरह से रखेंगे और दोनों को नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बाद में हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और इस तरह से कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सीधी तरफ से लेस को सिलेंगे। ठीक है, तो लेस को देखिए इस तरह से हमें रख लेना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिल ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और इसमें से हमें थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देनी है बाजू सिलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो अस्तर वाला ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।